ये है फ्रैंकलिन आया खेले, खेलेगा ये हर दिन, आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर, ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर, हे ये है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन्स राइवल। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है और वो अपनी ग्रैनी को भी बहुत चाहता है। पर एक दिन एक नया मेहमान आया और वो भी ग्रैनी को बहुत चाहता था। उम्मीद है वो चॉकलेट चिप कुकीज हो। ग्रैनी। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मॉम ने कहा आपके पास मेरे लिए सरप्राइज है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आ गया। वो हॉल में है। ओ वाह। वो कुकीज कहाँ पर है? सरप्राइज। हाय फ्रैंकलिन, मैं हूँ पॉसम। हाय। हे, तुम्हारी ही तस्वीर पियानो पर है। हाँ, मेरी मॉम हर क्रिसमस पर ग्रैनी को मेरी तस्वीर भेजती हैं। सच्ची? जब पॉसम की मॉम छोटी थी, मैं उसे बेबी सिट किया करती थी। सच में? और अब मुझे बेबी सिट करती हैं। सच में? हाँ, बस ये हमेशा मेरे घर आती हैं। सच में? पर इस बार इन्होंने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया। मुझे यकीन है तुम दोनों को साथ में बड़ा मजा आएगा। क्यों ना हम एक पिकनिक से शुरुआत करें? हाँ, मुझे पिकनिक पसंद है। मुझे भी। मजेदार। ये तो पीनट बटर और लेटस नहीं है। जानती हूँ डियर, पॉसम ने मुझे पालक के सैंडविच बनाने को कहा था। मेरा मन पसंद। थैंक्स ग्रैनी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा फ्रैंकलिन? नहीं नहीं, अच्छा है, पर पीनट बटर और लेटस जितना अच्छा नहीं। आप कुकी किसे चाहिए? मुझे। ग्रैनी सबसे अच्छे चॉकलेट चिप कुकीज बनाती हैं। नहीं, गलत कहा फ्रैंकलिन, वो सबसे अच्छे वॉलनट कुकीज बनाती हैं। मेरे मन पसंद। तुम लकी हो, मेरे मन पसंद तो चॉकलेट चिप कुकीज है। वो है लाइब्रेरी और वहाँ पर है मिस्टर मोल का हार्डवेयर स्टोर, और वो है मिस्टर स्कंक का आइसक्रीम शॉप, जहाँ मिलता है सनी संडे संडे। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? ग्रैनी ने मुझे यहाँ के बारे में इतना कुछ बताया है कि लगता है जैसे मैं यही बड़ा हुआ हूँ। हाय मिस्टर मोल। हेलो प्यारे बच्चों, और तुम जरूर पॉसम हो। हाय, आपको मेरा नाम कैसे पता है? ओ ग्रैनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है, उन्हें हफ्तों से तुम्हारे आने का इंतजार था। सच में? गुड आफ्टरनून। हेलो मिस्टर बैजर। और मुझे पता है कि ये कौन है, 32 चेस्टनट क्रेसेंट का नन्हा मास्टर पॉसम। hey! सही कहा। मैं ही हूँ जो तुम्हारी भेजी सारी चिट्ठियाँ ग्रैनी तक पहुँचाता हूँ। चिट्ठियाँ? ग्रैनी ने मुझे तुम्हारी लिखी कुछ कहानियाँ पढ़कर सुनाई है पॉसम, तुम तो काफी अच्छे लेखक हो। थैंक्स। क्या आप चाहती हैं मैं भी आपको चिट्ठियाँ भेजू ग्रैनी? तुम्हें चिट्ठियाँ लिखने की जरूरत नहीं है फ्रैंकलिन, तुम इतने पास रहते हो कि जब चाहो तुम बस जाकर ग्रैनी से मिल सकते हो। तुम लकी हो। हाँ सो तो है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए, मैं आपकी बास्केट उठाता हूँ ग्रैनी। मैं मदद करता हूँ। मैं लेता हूँ। नहीं मैं लेता हूँ। रहने दो, मैं उठा सकता हूँ। नहीं। तुम
ठीक तो हो ना फ्रैंकलिन? हाँ, आई एम सॉरी। फिक्र मत करो, अच्छा हुआ जो आज हवा नहीं बह रही, वरना ये चिट्ठियाँ एयरमेल से पतों पर पहुँच जाती। और मैं कब से इस रेक डिस्प्ले को बदलना चाहता था। मदद करने के लिए शुक्रिया पॉसम। कोई बात नहीं ग्रैनी। मैं तुम्हारी मॉम को बताऊंगी कि तुमने मेरी कितनी मदद की है। फ्रैंकलिन, क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगे? एक गेम? ठीक है। आप और मैं पहले खेलेंगे और पोजम सारी चालें देखेगा। ये क्या है? क्रिबेज। क्रिबेज? ग्रैनी ने मुझे ये खेलना सिखाया, मजेदार है। पर ग्रैनी, हम तो हमेशा चेकर्स खेलते हैं, याद है? जानती हूँ डियर, पर आज हम तीन हैं और चेकर्स बस दो ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। पर मुझे क्रिबेज खेलना बिल्कुल नहीं आता है। आसान है, और हम इन छोटे पेक्स को बोर्ड पर घुमा सकते हैं, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह। ओह, लगता है मजा आएगा। जैक! क्या? इसे मिली दो चालें। दो चालें? एक, दो और फिर मैं जीता। तुम तो इसमें काफी अच्छे हो गए हो। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी टीचर जो मिली है। और तुम भी ना। और मुझे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी चेकर्स टीचर मिली थी। थैंक यू फ्रैंकलिन। क्या तुम चेकर्स का एक गेम खेलना चाहोगे? ठीक है, पहले आप और मैं ग्रैनी। मैंने सोचा कि तुम और पॉसम मिलकर खेलो, तब तक मैं थोड़ा घर का काम कर लूं। पर मुझे ये खेलना नहीं आता। मैं सिखा दूंगा, बहुत आसान है। अगर तुम्हें क्रिबेज में मजा आता है तो इसमें तो खो ही जाओगे। मैं जीता ग्रैनी। बधाई हो फ्रैंकलिन। क्या अब आप भी खेलेंगी ग्रैनी? अभी नहीं बेटा, अभी मेरा डस्टिंग का काम बाकी है, और वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। पर हम एक दूसरे को जान गए हैं, और मुझे आपकी मदद करनी है ग्रैनी। मुझे भी। ध्यान से पॉसम। तुम ध्यान रखो फ्रैंकलिन। थैंक यू बच्चों, तुम दोनों ने बहुत अच्छी डस्टिंग की है। थैंक्स ग्रैनी। ये काम तो हो गया, अब तुम बाहर जाके थोड़े फूल क्यों नहीं ले आते जो? ठीक है। ओह डियर, मैं सबसे अच्छा गुलदस्ता बनाऊंगा। मैं भी। मैंने देखा। ये रहे मेरे फूल ग्रैनी। और मेरे भी। मैं इन्हें पानी में रख देता हूँ। मैं इन्हें फूलदान में रख देता हूँ। माफ कर दीजिएगा। मुझे भी। ओहो, कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि किसी को चोट नहीं लगी। ये सब तो साफ हो जाएगा। मैं मदद मैं करता हूँ। कर देता हूँ। नहीं, ये मैं साफ कर दूंगी। तुम दोनों को इस वक्त ठंडे ठंडे नींबू पानी की जरूरत है। क्यों ना तुम और पॉसम शांति से बैठकर बातें करो, तब तक मैं अपना काम पूरा करके खाना बना लेती हूँ। खाने में क्या है ग्रैनी? वो एक सरप्राइज है। वो जरूर तुम्हारी मनपसंद चीज होगी, क्योंकि तुम ग्रैनी को ज्यादा प्यारे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने पिकनिक के लिए सारी तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई थी, और वो सबसे तुम्हारी ही बातें करती हैं। पर जब वो मेरे घर आती हैं, तो वो बस तुम्हारी ही तारीफ करती रहती हैं। ग्रैनी मेरी तारीफ करती हैं? वो हमेशा हमसे कहती हैं कि तुम चेकर्स में कितने अच्छे हो और तुम कितने अच्छे आर्टिस्ट हो। मेरी मॉम ने तो हमारे फ्रिज पर तुम्हारी एक तस्वीर भी लगा रखी है। सच्ची? क्या बात है। मुझे तो फिक्र होने लगी थी कि ग्रैनी चाहती है कि तुम उनके मनपसंद ग्रैंड टर्टल बनो। पॉसम। कभी कभी सोचता हूँ काश मैं उनका ग्रैंड पॉसम होता।
तुम कितने लकी हो, तुम अपनी ग्रानी के इतने पास रहते हो। हाँ सच कहा, मैं जब चाहूँ उन्हें मिल सकता हूँ। मेरी ग्रैंडमा पॉसम इतनी दूर रहती हैं कि मुझे उनसे मिलने प्लेन में जाना पड़ता है। कभी कभी मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ, पर वो ग्रैंडमा के गले लगने जितना अच्छा नहीं होता है। हाँ मैं तो वाकई लकी हूँ। अरे सुनो पॉसम, मैं अपनी ग्रैनी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तुम सचमुच अपनी ग्रैनी शेयर करोगे? बिल्कुल, हम दोनों उनके मनपसंद ग्रैंड पॉसम्स हो सकते हैं। सब हो गया ग्रैनी। थैंक यू बच्चों, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इतने मददगार ग्रैंड टर्टल्स हैं, भले ही उनमें से एक ग्रैंड पॉसम है। और उन्होंने आपके बगीचे के सारे फूल तोड़ दिए फिर भी? खासकर तब। और ये लो बन गया शू फ्लाई पाए, मेरा मन पसंद। फ्रैंकलिन एंड द ट्रेडिंग कार्ड्स। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसका मन पसंद खेल है सॉकर और उसका मन पसंद खाना है शू फ्लाई पाए। पर एक दिन फ्रैंकलिन ने जाना कि अपनी मनपसंद चीज चुनना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब दो दोस्तों में चुनना हो तब। मिल गया। हम तो हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो मार्शियन मस्करेड कार्ड है ही नहीं। मुझे मिल गया। याहू! अरे नहीं, पक्का मालूम है? हाँ वही है। हाँ तुम तो बड़े लकी हो फ्रैंकलिन। हाँ तुम वो पहले बच्चे हो जिसके पास स्पेस मॉन्स्टर कलेक्टर कार्ड्स का पूरा सेट है। मुझे यकीन है पूरी दुनिया में ये एक ही मार्शियन मस्करेड कार्ड है। मुझे एक और मिला। हाँ? क्या? एक ही पैक में दो दो निकले। वाह ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, इतना लकी होना तो सच में कमाल है। मुझे ये कार्ड चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले दो एस्टेरॉइड आर्टवर्क्स दूंगी। मैं तुम्हें तीन आर्टवर्क्स और दो सैटर्न स्नेक्स दूंगा। दोस्तों चार आर्टवर्क्स, तीन स्नेक्स और एक वेन्यूशन वोल। हे दोस्तों पांच आर्टवर्क्स, चार स्नेक्स, तीन वोल्स और दो गैलेक्टिक गोफर्स। तीन गोफर्स, पांच आर्टवर्क्स, चार स्नेक्स, चार वोल्स और तीन गोफर्स, छह आर्टवर्क्स और नौ। दोस्तों ओह फ्रैंकलिन तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। यही तो खड़े हैं। सॉरी बात यह है कि मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए, मेरे पास तो पूरा सेट है, याद है? ओह हाँ। मेरे ख्याल से मुझे इसे यूं ही दे देना चाहिए। हाँ, बढ़िया आइडिया है फ्रैंकलिन। तुम जैसा कोई प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्त ठीक है, पर मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम आराम से सोचो। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किसे देते हो। हाँ, क्योंकि वो चुनने वाला है मुझे। सपने मत देखो बीवर, फ्रैंकलिन वो कार्ड मुझे देगा। फ्रैंकलिन मेरा दोस्त है समझे? मेरा भी है। वो तो पता चल जाएगा। हाँ वो तो चलेगा ही। सॉरी फ्रैंकलिन, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ फॉक्स, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो क्या है कि मैं बस पड़ोस में ही था। पर तुम तो बहुत दूर रहते हो। खैर मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ बस में चलूं। अरे थैंक्स। ओह हाँ, मुझे तुम्हें ये देना था। वाओ नई वाली पाव पैल कॉमिक, थैंक्स। मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। वैसे ये है तो मेरा मन पसंद। पहले तुम मेरे दोस्त। फ्रैंकलिन मैंने तुम्हारे लिए सीट रखी। थैंक्स नेल। मैं फ्रैंकलिन हाय, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चॉकलेट चिप कुकीज मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाई हैं। ओह थैंक्स बीवर। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, मुझे यकीन है इसे कुकी से ज्यादा पाव पैल कॉमिक्स पसंद है। ऐसा नहीं है, है ना फ्रैंकलिन? अरे दोस्तों मुझे दोनों पसंद है, दोनों में चुनना मुश्किल है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो फ्रैंकलिन, बस आराम से बैठकर कुकीज का मजा लो और कॉमिक का।
फ्रैंकलिन, तुम अपना एक्स्ट्रा मार्शियन मस्करेट किसे देने वाले हो? मुझे नहीं पता स्नेहल, बीवर और फॉक्स दोनों को ही वही चाहिए और वो मेरे लिए कितना कुछ कर भी रहे हैं। फ्रैंकलिन! शायद ज्यादा ही कुछ। हे फ्रैंकलिन, क्या मेरे साथ कैच खेलोगे? स्नेहल और मैं दोनों चेक। फ्रैंकलिन, चलो पकड़ा पकड़ी, पूरे गेम में मैं ही दाव दूंगी। मेरे साथ कैच खेलो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें अपना नया ग्लव दूंगा। ये मेरे साथ खेलना चाहता है? नहीं, मेरे साथ। मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ। तुम्हें मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलना है ना फ्रैंकलिन? वो नहीं, मेरे साथ खेलना है ना? चलो रिसेस खत्म हो गई, चलो स्नेहल। रुको फ्रैंकलिन, मैं दरवाजा खोलता हूँ ना। मैं खोलूंगी। मेरे रास्ते से हटो फॉक्स, मुझे फ्रैंकलिन के लिए सीट रखनी है। कभी नहीं बीवर, मैं रखूंगा। वो गया कहाँ? क्या तुम मेरे साथ बैठोगे फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन, क्या तुमने फ्रैंकलिन को देखा है स्नेल? मेरा ख्याल है उसने कहा कि वो आज पैदल चलकर घर जाएगा। चलकर जाएगा? मैं उसके साथ चलकर जाता। और मैं भी। ऐसा क्या? तो मैं उसकी किताबें उठाता। ऐसा क्या? मैं तो उसे ही उठाती। मुझे नहीं लगता। बाय स्नेल, अगर फ्रैंकलिन को देखो तो उसे कहना मैंने हाय कहा। उससे कहना मैंने भी हाय कहा। उससे कहना मैंने पहले हाय कहा था। उससे कहना मैंने जोर से हाय कहा। ठीक है फ्रैंकलिन, अब तुम बाहर आ जाओ। फ्यू, बाल बाल बचा। तुम हमेशा तो उनसे नहीं छुप सकते ना फ्रैंकलिन। जानता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ काश मुझे एक भी मार्शियन मस्करेट ना मिला होता। हे, हल मिल गया। किसका हल मिला? देखो, मेरी किस्मत ने साथ दिया और मुझे दो मार्शियन मस्करेट्स मिले, तो शायद किस्मत फिर से मेरा साथ दे दे। थैंक्स मिस्टर गूस। 8 जुपिटर जून बग्स। वाव, ये तो गजब ही हो गया। हाँ, किस्मत ने साथ ही छोड़ दिया। क्या तुम और कार्ड खरीदोगे? अरे नहीं, मैंने अपनी गुल्लक में बचाए सारे पैसे खर्च कर दिए। अब क्या तुम किसी भी तरह उन दोनों को खुश नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ। सचमुच? वो कैसे? ये तुम कल सुबह देखोगे स्नेल। मैं बीवर और फॉक्स को कल मुझसे प्ले ग्राउंड में मिलने को कहूँगा। प्ले ग्राउंड में? शायद रेस करवा कर फैसला होगा। हे स्नेल। हाय फॉक्स। क्या तुमने कही? वो रहा वहाँ। हाय फ्रैंकलिन। तो खेल शुरू किया जाए? याहू! स्नेल देखो, फ्रैंकलिन ने मुझे मार्शियन मस्करेट कार्ड दे दिया। क्या सच में? यूहू फ्रैंकलिन। ना जाने वो बीवर से क्या कहने वाला है। अच्छा सवाल है, और वो क्या कहेगी जब उसे पता चलेगा? वो उसे मार रही है। नहीं, वो गले मिल रही है। थैंक यू फ्रैंकलिन, थैंक यू। फॉक्स, नील, देखो फ्रैंकलिन ने मुझे क्या दिया। मार्शियन मस्करेट। पता है, उसने मुझे भी एक दिया। हाँ, पर उसके पास एक ही एक्स्ट्रा कार्ड था। हाँ, पर अफसोस उसके पास दो दोस्त थे और दोनों को वो चाहिए था। तुम्हारा मतलब फ्रैंकलिन ने अपने दोनों मार्शियन मस्करेट्स दे दिए? अच्छा है ना, अब तुम दोनों के पास बेस मॉन्स्टर कार्ड्स का पूरा एक सेट है। हाँ, पर फ्रैंकलिन, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा सेट नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं दो अच्छे दोस्तों के बदले खुशी खुशी स्पेस मॉन्स्टर्स का पूरा सेट कुर्बान कर दूंगा। शायद फ्रैंकलिन को डर था कि जिसे भी एक्स्ट्रा कार्ड नहीं मिलेगा वो उसका दोस्त नहीं रहेगा। लगता है हम तुम्हारे बारे में कम और कार्ड किसे मिलेगा उसके बारे में ज्यादा सोच रहे थे। हम शर्मिंदा हैं फ्रैंकलिन। हाँ, बहुत शर्मिंदा। लो फ्रैंकलिन, ये कार्ड तुम्हारा है। नहीं फ्रैंकलिन, मेरा कार्ड लो। नहीं, वो मेरा कार्ड लेगा फॉक्स। कभी नहीं, मेरा लेगा बीवर। रहने दो दोस्तों, सच्ची तुमने मुझे ढेर सारी कुकीज दी थी बीवर, और फॉक्स ने मुझे कॉमिक भी दी थी, तो हिसाब बराबर हो गया, ठीक है? अच्छा, ठीक है फ्रैंकलिन, थैंक्स। हाँ, थैंक्स।
दोस्तों दोस्तों देखो मेरे पास क्या है। पर ये तो सारे जुपिटर जून बग्स हैं गूस। पूरे 26 हैं। जुपिटर जून बग मेरा मन पसंद है, इसलिए मैंने जितने हो सके उतने जमा कर लिए। वाह, मैंने इस तरह स्पेस मॉन्स्टर्स जमा करने के बारे में सोचा नहीं था। हाँ, बढ़िया आइडिया है गूस। और आज तुम्हारा लकी दिन है, मुझे अपने आखिरी दो पैक्स में 8 जुपिटर जून बग्स मिले हैं। ये सब तुम्हारे हैं गूस। थैंक्स फ्रैंकलिन। ओह, पर हमें सौदा करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जो जुपिटर जून बग्स नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें 3 मार्शियन मस्करेट्स चाहिए? 3 मार्शियन मस्करेट्स? वाओ, ये तो कमाल ही हो गया ना। हंसने की क्या बात है दोस्तों।